आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर नमस्कार दोस्तों, मैं देव श्रीवास्तव KDS न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़ी खबर पर जो है आपके से रूबरू हुए हैं। दरअसल ये बड़ी खबर फिल्म जगत से जुड़ी हुई है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और खासकर भोजपुरी फिल्म से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भोजपुरी फिल्मों में अधिकतर गानों और फिल्म जो बनाई जाती है उनमें अश्लीलता की बातें सामने आती रही। लगातार कई ऐसे गाने भी बने हैं जिनमें अश्लीलता जरूर ज़्यादा होती है। ऐसे में सर्व समाज में एक मैसेज गला जाता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी फिल्मों को अनुदान न देने की बात कही है जिन फिल्मों में अश्लीलता परोसी जा रही है, जिनके स्क्रिप्ट में अश्लीलता है या गानों में। कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए, इसे लेकर एक कदम उठाया गया, एक प्रयास है जो बेहद अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने भी इस जो उनकी बात थी उसे मानते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि ऐसी फिल्मों पर को अनुदान नहीं दिया जाएगा, ऐसी फिल्मों के अनुदान पर रोक लगा दी जाएगी जिन फिल्मों में अश्लीलता होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश जो एक कमेटी बनेगी जो इन फिल्मों की स्क्रिप्ट और इनको जिनका अवलोकन करेगी, भले ही वो सेंसर बोर्ड से पास हो गई हो। पूरे मामले पर हम आपको ये जरूर सुनाना चाहेंगे कि पूरे मामले पर राजू श्रीवास्तव जो फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो योगी जी से मुलाकात हुई उसके बाद क्या कहा दोस्तों। लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन खबरें लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जनहित में हमारी खबरों को शेयर भी करें। हम सुनाते हैं कि राजू श्रीवास्तव जो हास्य कलाकार और फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैंने लखनऊ में कल मुलाकात की और भोजपुरी फिल्मों में और वहां के संगीत में बढ़ रही हिंसा, अनावश्यक द्व्यर्थी संवाद और अश्लीलता, इसके बारे में मैंने उनको अवगत कराया और उनसे ये निवेदन भी किया कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि जन भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं और यूपी बिहार के लोग ऐसी फिल्मों और ऐसे संगीत से बहुत परेशान हैं। जब भी कोई कहीं शादी विवाह होता है, कहीं कोई कार्यक्रम होता है और ये गाने बजने शुरू हो जाते हैं तो जितने माता पिता भाई बहन है, भाभी जी सब लोग हैं, भैया हैं, सब लोग असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत गंदी परंपरा शुरू हो गई है, इसकी सफाई की आवश्यकता है। तो मैं इस बात से मुझे बहुत संतुष्टि है, बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये आदेशित किया कि आप ऐसी फिल्मों को अनुदान देना बंद। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी फिल्मों को जो सब्सिडी देती है उसे हम रोक रहे हैं, उसे हम रोक देंगे और ऐसी फिल्मों को हम बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जहां तक फिल्म वालों की बात है, फिल्म वाले हमेशा ही कहते हैं कि भाई हमने सेंसर करा लिया है तो आपको क्या आपत्ति है। सेंसर भले हो गई हो, अब हमारी एक कमेटी ऐसी फिल्मों को देखेगी और उसके बाद ही हम सब्सिडी का फैसला करेंगे कि सब्सिडी क्लियर करनी है, रिलीज करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि भले आपने सेंसर करा लिया हो फिल्म को, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें सहायता राशि दे रही है, एक तरह से इन्वॉल्व है, तो उसे जांचना परखना ये हमारी सरकार का अधिकार है। तो इस सिलसिले में कठोर कदम उठाने के लिए योगी जी ने मुझे आदेशित किया।